होली हो या दिवाली, कोई भी फेस्टिवल बिना दही बड़ा के अधूरा लगता है। तो आज हम बनाएंगे एकदम सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले दही बड़े बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए फटाफट से इस मजेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर उसे ऑल पे क्लिक कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियो आप सबसे पहले देख सके। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है पूजा और आप देख रहे हैं किचन भंडार यूट्यूब चैनल। दही बड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप उड़द की दाल ली है, जिसे मैंने ओवरनाइट सोप करके रख दिया था और इसका सारा पानी हमने निकाल लिया है। तो पहले हम इसे पीस लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सी का जार लिया है, तो इसमें हम दाल को ट्रांसफर कर देंगे। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेते हैं। तो हमें इसका पेस्ट दरदरा सा बनाना है, बहुत फाइन नहीं। चलिए मैं पीस के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने दाल को पीस लिया है और आप देख सकते हैं फ्रेंड कि किस टाइप का हमने दाल को पीसा है। तो बस इसी तरह का पीसा होना चाहिए, दरदरा सा। इससे दही बड़ा बहुत ही अच्छा बनता है। अगर आप इसे एकदम फाइन पीस दोगे तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे हम एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे, जिससे कि इसे फेंटने में आसानी हो। इसी तरह से हम सारे दाल को पीस लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड, हमने सारे दाल को पीस लिया है। तो इसी तरह का दानेदार दाल चाहिए, इससे दही बड़ा बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि दाल बहुत गीला ना पिसाए। अगर आप इसमें बहुत ज्यादा पानी डाल के पीस दोगे तो उससे बड़े अच्छे नहीं बनेंगे। अब अगला स्टेप आता है इसे फेंटने का, जिससे कि हमारा दही बड़ा एकदम फुला फुला सॉफ्ट स्पंजी बने। तो इस स्टेप को करने में कम से कम 4 से 5 मिनट लगता है फ्रेंड। आप जितने अच्छे से दाल को फेंटोगे उतना ही दही बड़ा आपका एकदम सॉफ्ट बनेगा। तो दाल को एकदम अच्छे से फेटिएगा फ्रेंड, और बीच में आपको इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो आपने जो दाल को फेटा है अगेन आपको फेटना पड़ेगा। तो इसे हमने लगातार 4 से 5 मिनट तक फेटा है और आप देख सकते हैं हमारा दाल पहले से ज्यादा स्मूथ हो गया है। और इसका कलर भी आप देख सकते हैं फ्रेंड कि फेटने की वजह से थोड़ा सा लाइट हो गया है। तो इससे पता चलता है कि हमारा दाल अच्छे से फेट गया है। तो यहाँ पे हमने दाल को फेट लिया है, तब हम इसमें कुछ और भी चीजें ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच नमक डाल दे रही हूँ। तो नमक को आप फेटने के बाद डालिएगा, क्योंकि नमक डालने के बाद ये पसीजने लगता है, जिससे कि आपका डो गीला होने लगेगा। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ, इससे आपके डाइजेशन में भी मदद मिलेगा और साथ ही इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी धनिया पत्ती और कुछ हरी मिर्च ली है, तो इसे हम फाइन चॉप करके दाल में डाल देंगे। इससे हमारे दही बड़े में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो इसे दाल के साथ पीस के डाल सकते हैं, पर मुझे फाइन कटा हुआ ज्यादा अच्छा लगता है। इससे खाने में तो ये अच्छा लगेगा ही, और साथ ही देखने में भी ये बहुत सुंदर दिखेगा। और दाल में डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा दही बड़ा के लिए बैटर रेडी है। अब अगला स्टेप आता है दही बड़ा को फुलाने का। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है, इसमें हम गुनगुना पानी ले लेंगे। जी हाँ, गुनगुना पानी। आप चाहे तो नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मल पानी में दही बड़ा को फुलाने से टाइम ज्यादा लगता है और वो अच्छे से नहीं फूलता है। तो यहाँ पे मैंने गुनगुना पानी का इस्तेमाल किया है। इस गुनगुने पानी में हम 1 से 1.5 चम्मच काला नमक डाल देंगे, इससे हमारे दही बड़े में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो काला नमक जरूर डालिएगा फ्रेंड। तो हमने दाल में डाला था तो उस हिसाब से हमने केवल पानी के लिए डाला है, और इसे मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए अब हम बड़े को तलेंगे। तो जिसके लिए मैंने यहाँ एक कटोरी में पानी लिया है, इससे हम हाथ को गीला कर लेंगे और इस तरह से दाल को हाथ में लेंगे, जिससे कि ये हाथ में चिपके ना, ये देखिए। और इसे राउंड सा शेप बना लेते हैं और इस तरह से हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस पे पहले से ही तेल गरम होने के लिए रख दिया था, और तेल हमारा गरम है। तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा तेज गरम तेल नहीं चाहिए, हल्का गरम। तो चलिए मैं इसमें डाल के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, जब हमने बड़े को तेल में डाला है तो आप देख सकते हैं कि तेल हमारा कितना गरम है। तो बस इतना ही गरम होना चाहिए, और इतने ही गरम तेल में हम सारे बड़े को डाल देंगे। तो एक बार में कढ़ाई में जितने आ जाए उतने डाल दें, और डालने के बाद इसे हम तुरंत टच नहीं करेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे इसी तरह से पकने देंगे, या तब तक जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। और आप देख सकते हैं फ्रेंड कि हमने बड़े को जितने छोटे साइज का डाला था उसका डबल हो गया है अभी ही, और जब ये पानी में जाएगा तो और भी फूलेगा। इसका मतलब कि हमारा दाल एकदम परफेक्ट फेटा हुआ है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, चलिए इसे हम पलट लेते हैं। बड़े को मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कीजिएगा, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे फ्राई कर दोगे ऊपर से तो ये पक जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाद में ये बड़े अंदर से कड़े हो जाएंगे।
तीन मिनट बाद फिर से इसे हम पलट लेंगे और इस टाइम आप गैस की फ्लेम को मीडियम से हाई कर सकते हैं और अच्छे से इसे लाल होने तक फ्राई कर लें। तो ये देखिए फ्रेंड, ये अच्छे से फ्राई हो गया है। आप देख सकते हैं इसमें अच्छा सा कलर भी आ गया है। तो बस इसे हम निकाल लेते हैं। इसे हम पानी में डाल देंगे जो हमने पानी को बनाकर रखा था, और इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं और इसे हम ढककर छोड़ देंगे। 5 से 6 मिनट तक छोड़ देंगे जिससे कि ये अच्छे से फूल जाए। जब तक ये फूलता है तब तक हम बचे हुए बड़े को भी फ्राई कर लेते हैं। तो सेम प्रोसेस से हम इस बड़े को भी फ्राई कर लेंगे। 5 से 6 मिनट हो गया है, चलिए हम बड़े को चेक करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये एकदम अच्छे से फूल गया है, एकदम सॉफ्ट हो गया है और ये पानी को भी एकदम अच्छे से पी लिया है। तो बस इसे हम पानी से निकाल लेंगे, नहीं तो ये ओवर सॉफ्ट हो जाएगा जिससे कि ये टूटने लगेगा। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, हमने सारे बड़े को पानी से निकाल लिया है। हम क्या करेंगे कि इसे हल्का सा हाथों से दबाते हुए इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे निकाल लिया है। जो हमने दूसरा बैच फ्राई किया है बड़े का, उसे भी हम पानी में डाल देते हैं और इसे भी हम 5 से 6 मिनट तक कवर करके छोड़ देंगे जिससे कि ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जब तक हमारा बड़ा फूलता है तब तक हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक पैन में 1 से 1.5 बड़ा चम्मच साबुत धनिया लिया है और साथ ही 1 से 1.5 बड़ा चम्मच जीरा। अब इन्हें हम चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे, या तब तक जब तक इसमें एक सौंधी सी खुशबू न आने लगे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हल्का सा भुन गया है। तब हम इसमें मिर्च ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे 10 से 12 साबुत लाल मिर्च डाल रही हूँ और इसे भी हम चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक भून लेते हैं। इस मसाले से दही बड़े का टेस्ट और भी बढ़ जाता है फ्रेंड। तो ये देखिए ये भुन गया है, तो हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पर ये अच्छे से ठंडा हो गया है, तब हम इसे पीस लेंगे। तो इसे हम एक मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर देते हैं और इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे। एकदम फाइन नहीं पीसना है, अगर आपके पास सील हो तो इसे सील पे पीसिएगा, उससे और भी अच्छा टेक्सचर आता है इसका। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसे पीस लिया है और ये मसाले कम से कम आपके 6 महीने तक बिल्कुल खराब नहीं होंगे फ्रेंड। आप इसे दही बड़े में डाल सकते हैं, छोले के ऊपर डाल सकते हैं और चाट के ऊपर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ बड़े को सूखे हुए रखा था, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए सूखे बड़े भी हमारे कितने सॉफ्ट हैं और अंदर से एकदम स्पॉन्जी हैं, बिल्कुल गांठ नहीं है इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे मैंने दही लिया है, तो दही को अच्छे से फेंट लेना है और इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे 1/2 छोटा चम्मच काला नमक डाल रही हूँ। तो नमक ध्यान में रख के डालना है क्योंकि हमने बड़े में नमक डाला है, तो बस दही में नमक आ जाए इसके लिए नमक डाल रही हूँ। और मैंने यहाँ पे एकदम फ्रेश दही लिया है। अगर आपको दही में चीनी चाहिए तो आप चीनी डाल सकते हैं 1 चम्मच, पर मुझे दही में चीनी अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं यहाँ पे चीनी नहीं डाल रही हूँ। और ये देखिए फ्रेंड, हमारा दही रेडी है। तो चलिए फटाफट से दही बड़े को सर्व करते हैं। तो एक प्लेट में हम बड़े को इस तरह से लगा लेंगे और इसके ऊपर से हम फेटी हुई दही को डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 प्लेट में लगाया है। अब इसके ऊपर से थोड़ी सी हरी चटनी डाल देते हैं, तो तीखी वाली ये हरी चटनी और साथ ही इसके ऊपर से ये इमली की मीठी वाली खट्टी मीठी चटनी। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा दही बड़ा कितना कलरफुल दिख रहा है। तो इसके ऊपर से हम थोड़ा सा मसाले को स्प्रिंकल कर देंगे जो हमने मसाला तैयार किया था। कितना अच्छा दिख रहा है आप देख सकते हैं फ्रेंड। और मैं अभी आपको कट करके भी दिखाऊंगी कि ये अंदर से भी एकदम सॉफ्ट है। तो आपको ये काटने से समझ में आ जा रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो एक बार इस तरह से दही वड़ा को बनाकर ट्राई कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।